हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि हम लोग अब अपना अगला पार्ट, दैट मीन्स अब हम अपने प्रोजेक्ट का लॉगआउट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग बना रहे थे जावा एडवांस को यूज़ करके, दैट मीन्स सर्वलेट एंड जेएसपी को यूज़ करके एक प्रोजेक्ट, टेक्निकल ब्लॉक, टेक ब्लॉक जिसका मैंने नाम दिया था, वो हम लोग बना रहे थे। और प्रोजेक्ट की सीरीज़ में हम लोग काफ़ी वीडियोज़ कर चुके हैं, तो मैंने वो सारी वीडियोज़ सर्वलेट की सीरीज़ में ऐड कर दी है। और हम यहाँ पर 5 वीडियोज़ तो प्रोजेक्ट की कम्प्लीट कर चुके हैं और एक वीडियो ओवरव्यू वीडियो था। तो अगर अभी तक आपने इन सारी वीडियोज़ को नहीं देखा, तो आप जाइए प्लेलिस्ट यूट्यूब पर सर्च करिए लर्न कोड विद दुर्गेश, और वहाँ पे सर्वलेट की सीरीज़ में ये सारी वीडियोस पार्ट 5 तक देख लीजिए। तो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि आप लॉगिन मॉड्यूल कैसे कंप्लीट कर सकते हो और एरर्स को कैसे प्रोफाइल पेज पे हैंडल कर सकते हो, ये चीज़ मैंने बताया था। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग लॉगआउट कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम ओवरव्यू बताने के लिए कि आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना प्रोजेक्ट रन करता हूँ। तो सिंपली ये मेरा प्रोजेक्ट है, टेक ब्लॉक, राइट क्लिक करूँगा और सिंपली मैं रन पे क्लिक कर दूंगा। और आप वेट करेंगे जब तक आपका प्रोजेक्ट रन नहीं हो जाता। जब आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा तो सिंपली आप देख पाओगे कि हाँ, आपका यहाँ पे होम पेज ओपन हो गया है। अगर आपके पास यहाँ पे होम पेज में कुछ और डिजाइनिंग होगी तो कुछ और डिजाइनिंग ओपन हो जाएगी। तो सिंपली हम लोगों ने साइन अप कंप्लीट कर लिया था, साइनअप कंप्लीट किया था हम लोगों ने ये इस वीडियो में पार्ट 4 में, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था लॉगिन। तो लॉगिन में मैंने क्या कंप्लीट किया था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बनाया था, अगर हम यहाँ पे सही पहले गलत डिटेल डालते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे गलत डिटेल डालता हूँ तो यहाँ पे दिखता है एक मैसेज, इनवैलिड डिटेल, ट्राई अगेन। बट ये मैसेज अच्छा सा नहीं दिख रहा है। मैसेज मैं दिखाऊंगा इस मैसेज को अभी इसी वीडियो में, यहाँ पे ईमेल एड्रेस के ऊपर जस्ट वही मैसेज दिखाऊंगा। और दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे सही डेटा डालते हो, देखिए सबमिट, अगर सही डेटा डालते हो तो आपकी डिटेल्स, जो आप यूज़र का नाम है, ईमेल है और जो भी अबाउट वगैरह है, वो सारी चीज़ें कहाँ दिख रही है भाई, वो सारी चीज़ें दिख रही हैं आपकी नॉर्मल से पेज पे, profile.jsp। तो इसमें एकदम भी डिज़ाइनिंग नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे उस डिज़ाइनिंग को भी अभी करेंगे जस्ट। और हम लोग चाहते हैं जब लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद एक बटन दिखेगी, उस पर क्लिक करके बंदा लॉगआउट भी कर सकता है। तो चलिए हम लोग बनाने वाले हैं 3 चीज़। सबसे पहले हम एरर मैसेज को यहाँ पे दिखाएंगे, और एरर मैसेज को दिखाने के बाद सिंपली हम लोग उसके बाद प्रोफाइल पेज हल्का सा डिज़ाइन करेंगे। प्रोफाइल पेज को डिज़ाइन करने के बाद हम लोग लॉगआउट अपना मॉड्यूल करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर डू सब्सक्राइब योर चैनल। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, फिर वो चाहे जावा हो, पाइथन हो या कोई अदर टेक्नोलॉजीज हो। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, हम लोग के पास लॉगिन का सिस्टम है, अगर हम गलत ईमेल डाल देते हैं तो हमें ये जो मैसेज है ये दिखा देना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैसेज को स्टोर करने के लिए आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी। तो आप आ जाइए एंटिटीज़ में, देखिए सोर्स पैकेजेस में, एंटिटीज़ में, और यहाँ पे राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए और सिंपल एक क्लास बना लीजिए जो रिप्रेजेंट करेगी हमारे एक मैसेज को, दैट मीन्स इस मैसेज का ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे मैसेज नाम की क्लास बनाऊँगा और इस मैसेज का ऑब्जेक्ट होगा, उसके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी कि मैसेज को वो रिप्रेजेंट कर सके। जैसे इसके पास हो सकता है स्ट्रिंग में एक मैसेज, तो कंटेंट मैं ले लूँगा मैसेज का कंटेंट। दूसरे बात, इसके पास हो सकता है स्ट्रिंग में एक मैसेज का टाइप, कि भाई ये मैसेज किस टाइप का है, एरर मैसेज है कि क्या है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँगा क्लास, ठीक है, ये क्लास, या आप देखिए CSS क्लास। बस ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये मैंने क्यों लिया है 3 वेरिएबल। अब बस आप इतना याद रखिए कि आप जब एक एक मैसेज का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आप 3 चीज़ें रख सकते हो, कंटेंट, टाइप एंड CSS क्लास, ठीक है। अब इनमें वेरिएबल सेट करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, कंस्ट्रक्टर। तो सिंपली आप ऑल्ट एंड इंसर्ट प्रेस करिए और आप कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करिए और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल क्लिक कर दीजिए और सिंपली जनरेट पे क्लिक कर दीजिए, आपका देखिए कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। उसके बाद इनकी वैल्यूज़ को फेच करने के लिए आप गेटर्स एंड सेटर्स बना लीजिए। तो मैं यहाँ कमेंट कर लिख देता हूँ गेटर्स एंड सेटर्स, ठीक है। अब आप क्या करिए, फिर से ऑल्ट एंड इंसर्ट पे क्लिक करिए, गेटर्स एंड सेटर्स पे क्लिक करिए और आप सेलेक्ट ऑल कर दीजिए और सिंपली जनरेट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये सिंपली एक एंटिटी बन गई जो रिप्रेजेंट कर सकती है आपके मैसेज को। इसका मतलब जब भी आपको मैसेज बनाना होगा तो आप इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, ठीक है। तो हमें मैसेज कब बनाना है भाई, जब बंदा गलत लॉगिन कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे
जैसे ही लॉगिन पेज चलेगा, अगर कोई डेटा डेटाबेस में नहीं मिलेगा उस समय मुझे एक मैसेज यहाँ पे बनाना है। देखिए कहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, लॉगिन सर्वलेट पे। तो हम लोग आएंगे com.tech.blog.servlet पे और यहाँ पे लॉगिन सर्वलेट पे चले जाएंगे। उसके बाद सिंपली देखिए, अगर देखिए यू की वैल्यू नल है तब एरर आ रही है। तो मैं यहाँ पे ये एरर इसमें प्रिंट नहीं करूँगा, इसको मैं कमेंट कर दूंगा और इस एरर की जगह मैं बनाऊँगा मैसेज। मैसेज का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, सिंपली मैसेज msg इज इक्वल टू न्यू मैसेज, ठीक है। और मैसेज में मुझे तीन चीज़ें देनी है, तो मैं क्या दे दूँगा, तीनों चीज़ें पास कर दूँगा सिंपली। देखिए पहले आपको मैसेज का देखिए कंस्ट्रक्टर आप एक बार चेक कर लीजिए, पहले आपको देना है कंस्ट्रक्टर कहाँ बनाया था भाई, एंटिटीज़ में, मैसेज में, ठीक है। तो आपको देना क्या है भाई, पहले चीज़ देख लीजिए, आपको कंटेंट टाइप एंड css मैसेज पास करना है। तो देखिए कंटेंट में पास कर दीजिए इनवैलिड डिटेल्स ट्राई विद अनदर, ठीक है, ये आपका मैसेज हो गया। कॉमा लगाने के बाद आपको पास करना है टाइप, किस टाइप का ये मैसेज है। देखिए कॉमा लगाने के बाद आपको टाइप पास करना है, तो टाइप मतलब ये एरर मैसेज है, ये एरर मैसेज है। और कौन से css क्लास आप html में जोड़ना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अलर्ट डैश एरर। अभी मैं इसको बूटस्ट्रैप से देख लूँगा, क्लास अलर्ट डैश एरर देख लेते एक बार बूटस्ट्रैप। तो हम लोग आ जाएंगे गूगल पे और यहाँ पे सर्च करेंगे बूटस्ट्रैप 4, ठीक है। और बूटस्ट्रैप 4 में हम लोग वेबसाइट ओपन कर लेंगे और सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे अलर्ट सिंपली। और हमें देखिए एरर के लिए चाहिए था अलर्ट डैश डेंजर, ठीक है। तो जब भी आपका एरर मैसेज होगा तो यहाँ पे अलर्ट डैश डेंजर आप क्लास यूज़ करोगे, ठीक है। ये क्लास अभी मैं डायनेमिकली अप्लाई करूँगा उस वाले लॉगिन पेज पे। जब आपका मैसेज बन गया तो इस मैसेज को आपको फिर से ले जाना है किस पेज पे, क्योंकि ये इस पेज पे आपको देखिए जब आप लॉगिन कर रहे होगे और लॉगिन करने के बाद जब एरर आ जाएगी, इन द सेंस आपने चीज़ें गलत डाल दिया gmail.com और आपने जैसे सबमिट किया, तो इस पेज पे अब आपको नहीं रहना। अब आपको कहाँ वापस चले जाना है, अब आपको चले जाना है लॉगिन पेज पे। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से रीडायरेक्ट करेंगे, हम लोग लिखेंगे response.send redirect और रीडायरेक्ट में हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे, देखिए हम लोग लॉगिन पेज login_page.jsp पे वापस कर देंगे। तो जैसे ही आप गलत डिटेल डालोगे उसको नल मिलेगा, ये मैसेज बनाएगा और सेंड कर देगा। अब अगर आप इसको रिफ्रेश करते हो तो देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ कुछ गलत इन्फॉर्मेशन तो लॉगिन करेंगे, देखिए इसी पेज पे आ जा रहा है बार बार, इसी पेज पे बार बार आता रहेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला मैसेज आप उस पेज पे कैसे ले जाओगे, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे भी सेशन निकालूंगा, देखिए http सेशन और सिंपली सेशन इज इक्वल टू request.getSession। तो मैं जो मैसेज होगा मैं सेशन में ही रख के उस वहाँ पे ले जाऊँगा, तो गेट सेशन कॉल करूँगा और उसके बाद ये मैसेज भी सेट कर दूँगा इसी सेशन में। तो मैं लिखूँगा set attribute और यहाँ पे लिख दूँगा मैसेज और मैसेज में अपना msg पास कर दूँगा सिंपली। तो हुआ क्या, मैं सेशन में मैंने मैसेज सेट कर दिया है इस वाले की वैल्यू पेयर में। अब हम ये मैसेज गेट कर सकते हैं अपने लॉगिन पेज पे। तो आइए यहाँ पे सिंपली कहाँ पे आ जाइए भाई, आप आ जाइए अपने login_page पे और आपको मैसेज दिखाना है। देखिए लॉगिन हियर आ रहा है ये चीज़ आ रही है, ठीक है, लॉगिन हियर। तो हेडर कार्ड हेडर के बीच में आ जाइए यहाँ पे, और कार्ड हेडर के बीच में यहाँ पे हमें लगाना है एरर दिखाना है। तो एरर दिखाने के लिए सिंपली आप आ जाइए बूटस्ट्रैप में और यहाँ सर्च कर लीजिए अलर्ट, और मैं अलर्ट के फॉर्म में दिखाऊंगा आपका एरर बॉक्स, ठीक है, एरर। तो अलर्ट में हम एक मैसेज कोई भी ले लेते हैं, तो सिंपली देखिए एक वाला कॉपी कर लीजिए, मैं यहाँ प्राइमरी कॉपी कर ले रहा हूँ, या फिर आप देखिए बोल्ड वाला, बोल्ड में दिखाना है तो बोल्ड वाला कॉपी कर लीजिए, दिस वन, ठीक है। तो हम ये कॉपी कर लेते हैं, या डिसमिस ये वाला भी ले सकते हैं, ठीक है, या नीचे ये वाला ले सकते हैं, कोई आप कोई भी एक ले लीजिए, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला ही एक यूज़ कर लेता हूँ सिंपली, कौन सा भाई, पहला वाला ही यूज़ कर लेते हैं। तो मैं पहला वाला सिंपली यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे आके एक बार चेक कर लूँगा कि ये कैसा लग रहा है, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करिए, आइए और अपने पेज को रिफ्रेश करिए, तो आपका जो मैसेज होगा कुछ ऐसा लगेगा, देखिए दिस इज़ प्राइमरी, यहाँ पे मैसेज आएगा, ठीक है।
तो परफेक्ट लग रहा है, बट आपको हर बार मैसेज नहीं दिखाना है। जैसे ही कोई लॉगिन पेज ओपन करेगा इसको मैसेज को नहीं दिखाना है, मैसेज को किसी न किसी कंडीशन पे दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको हम कट कर लेंगे, ठीक है, इसको कट कर लेंगे और यहाँ लगाएंगे हम जावा। अब जावा लगाने के लिए मैं यूज़ करूँगा स्क्रिप्ट लेट टैग। कौन सा टैग? स्क्रिप्ट लेट टैग। और मैं यहाँ पे सेशन से निकालूंगा ये वाला, देखिए सेशन से निकालूंगा ये वाला मैसेज, ठीक है, ये वाला मैसेज निकालूंगा जो यहाँ से सेट हुआ है। देखिए तो सेशन से कैसे निकालेंगे, आप लिखिए सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, आपने वहाँ से सेट किया था और यहाँ पे गेट किया, और की में पास करिए आप ये वाली वैल्यू, कौन सी, ये वाली वैल्यू, तो आपको ये मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। तो की में हम लोग पास कर देते हैं MSG, ठीक है, और मुझे मिलेगा मैसेज का ऑब्जेक्ट, तो मैं एक मैसेज के वेरिएबल में उसे क्या करूँगा, सिंपली स्टोर करूँगा M, और आपको टाइपकास्ट करना पड़ेगा, तो आप आ जाइए और यहाँ पे मैसेज में इसको टाइपकास्ट भी कर दीजिए, ठीक है। अब आप चेक करिए कि भाई मैसेज में कुछ है, M में कुछ आया है, तो आप चेक करिए इफ़ अगर M इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है इसका मतलब मैसेज है, और अगर मैसेज है तो यहाँ पे प्रिंट करना है हमें वो वाला HTML जो हमने कॉपी किया था। तो हम क्या करेंगे, HTML प्रिंट करने के लिए मैं स्क्रिप्टेड टैग को बंद करूँगा और सिंपली नीचे आके स्क्रिप्टेड टैग फिर से क्या करूँगा, ओपन करूँगा। परफेक्ट, बस काम हो गया। अब आप इसके अंदर जो भी HTML लिखेंगे वो HTML तभी चलेगा जब ये इफ़ कंडीशन ट्रू होगी, और ये इफ़ कंडीशन कब ट्रू होगी, जब आपके सेशन से जो मैसेज आया उसकी वैल्यू नल नहीं होगी, इसका मतलब कोई मैसेज होगा, ये चीज़ प्रिंट हो जाएगा। अब ये चीज़ प्रिंट हो जाएगा तो बार बार हमें मैसेज ना दिखे, इसलिए मैं क्या करूँगा, सेशन से हम मैसेज को रिमूव भी कर देंगे, मैसेज को रिमूव कर देंगे अपने MSG को। दैट मीन्स अगर दोबारा अगर आप रिफ्रेश कर दोगे तो सेशन आपका रिमूव हो चुका होगा, एक ही बार मैसेज दिखेगा। और मैसेज दिखना क्या है, यहाँ पे हमें मैसेज का कंटेंट प्रिंट करना है, तो आप लगा दीजिए एक्सप्रेशन टैग, और एक्सप्रेशन टैग में आप m.message से गेट कॉन्टेंट प्रिंट कर दिए। सिंपली होगा क्या, अगर आप रिफ्रेश करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि सेशन वाले मैसेज की वैल्यू नल है, और नल है तो कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, दैट मीन्स कुछ नहीं प्रिंट हुआ। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे गलत डिटेल डालते हो तो जैसे आप सबमिट करोगे वापस आएगा, देखिए यहाँ पे इनवैलिड डिटेल ट्राई विद अनदर, हुआ क्या, ये गया जैसे आपने सबमिट किया, ये गया लॉगिन पेज पे, इसको नल मिला, उसने मैसेज बनाया, मैसेज बनाने के बाद सेशन निकाला, सेशन निकालने के बाद सेशन में मैसेज को सेट किया, और सेट करने के बाद लॉगिन पेज पे सेंड कर दिया। लॉगिन पेज पे क्या हुआ, हमने मैसेज को फेच किया है, मैसेज को चेक किया है कि मैं कहीं मैसेज नल तो नहीं है, अगर नल होता तो ये नहीं चलता, दैट मीन्स मैसेज नहीं आया है, और नल नहीं है इसका मतलब कुछ मैसेज है, और कुछ मैसेज को प्रिंट किया, फिर उस मैसेज को रिमूव कर दिया। इसका मतलब दूसरी बार अगर आप इस पेज को ओपन करते हो तो कोई भी मैसेज नहीं दिखेगा। बट अभी भी दिक्कत ये है कि जो यहाँ पे मैसेज आ रहा है वो ब्लू कलर का है, तो आपको इसको ग्रीन करने के लिए इस वाले वेरिएबल को बदल दीजिए, आप यहाँ पे फिर से एक्सप्रेशन टैग लगा दीजिए, और हम यहाँ पे अपने मैसेज से गेट CSS क्लास कॉल करेंगे इसको प्रिंट करने के लिए, ठीक है। अब वहाँ से हम लोगों ने भेजा था डेंजर, तो अब यहाँ पे अगर आप कोई ईमेल देते हो सिंपली, और यहाँ पे अगर मैं कोई भी पासवर्ड दे दूँ गलत सलत और सबमिट करता हूँ, तो देखिए रेड दिख रहा है, ये रेड इसीलिए दिख रहा है क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे इस क्लास को डायनेमिक निकाला है, यहाँ पे वही वैल्यू आएगी जो वैल्यू आपने लॉगिन सर्वलेट के मैसेज के CSS में भेजा था, अलर्ट डेंजर। दैट मीन्स ये वाली क्लास यहाँ पे लग रही है इस वाले अलर्ट में, आप इस पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करिए तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, देखिए यहाँ पे आएगी अलर्ट डेंजर, दैट मीन्स ये रेड कलर है। अगर सक्सेस होगा तो हम लोग ऐसा ही मैसेज बना के यहाँ पे कुछ और भी दिखा सकते हैं, बस हमें भेजना क्या होगा वहाँ से मैसेज। परफेक्ट, हमारा काम हो गया। अगर बंदा सही डालेगा, देखिए चीज़ें, अगर बंदा सही डालेगा या गलत डालेगा तब तो भाई मैसेज आ जाएगा, और अगर वो सही डालेगा तो वो जाएगा सीधे लॉगिन पेज पे सबमिट। देखिए लॉगिन पेज पे आ गया। अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है, तो बहुत ही सिंपल डिज़ाइनिंग है, कोई भी अंतर नहीं है, देखिए बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। आपको करना क्या है, सिंपली नैब बार कॉपी कर लेना है, तो आप अपने नॉर्मल नैब बार को भी कॉपी कर सकते हो, तो नॉर्मल नैब बार का पूरा कंटेंट, यहाँ का जो भी कंटेंट है इसको कट कर लीजिए, और कट करने के बाद सिंपली कॉपी कर लीजिए, कट मत करिए अदरवाइज यहाँ से हट जाएगा, सिंपली कॉपी कर लीजिए और आ जाइए अपने प्रोफाइल पेज में, और जहाँ पे आप ये देखिए डायरेक्ट वैल्यूज़ को लिख दे रहे थे, यहाँ पे हम लगाएंगे अपना नैब बार। तो सिंपली आप क्या करिए, आप एक कमेंट करके लिख दीजिए कि ये भैया हमारा नैब बार है, नैब बार, ठीक है, नैब बार, और नैब बार बंद कहाँ पे हुआ है लिख दीजिए, एंड ऑफ नैब बार,
एंड ऑफ नैव बार और सिंपली यहीं पे पेस्ट कर दिए। अब आप डायरेक्ट रन मत करिएगा, कुछ आपको चेंजेस करने होंगे। सबसे पहली चीज़ तो आपको हेड में लाना होगा CSS, बूटस्ट्रैप की CSS। तो ये सारी CSS आपको मिलेंगी इंडेक्स पेज पे। तो प्रोजेक्ट में जाइए, इंडेक्स पेज पे जाइए और यहाँ से ये देखिए CSS को कॉपी कर लीजिए और आ जाइए अपने किस पेज में भाई, अपने प्रोफाइल पेज की हेड सेक्शन में, यहाँ पे सिंपली आप पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जावास्क्रिप्ट भी ले आते हैं, बाद के लिए नहीं रखते हैं। तो सबसे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हमें जावास्क्रिप्ट मिलेगी, जावास्क्रिप्ट भी कॉपी करके एग्जैक्टली वहीं पे रख देंगे जहाँ हम लोग को इंडेक्स पेज में मिली थी। तो हम यहाँ पे रख देंगे जावास्क्रिप्ट, परफेक्ट। अब हम लोग को सारा काम इस नैब बार में करना है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए नैब बार सबसे पहली चीज़ तो मैं देखिए ना, ये हमारा एडमिन का नैब बार है क्योंकि आप एडमिन पेज पे हो, तो एडमिन पेज पे आपको सारी चीज़ दिखानी है। बट यहाँ पे देखिए, अगर आप ऑलरेडी लॉगिन हो तो आपको लॉगिन और साइन अप नहीं दिखाना है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक लॉगिन को हटा देता हूँ और साइन अप को क्या कर देता हूँ, सिंपली लॉग आउट। दैट मीन इसको लॉग आउट तो दिखेगा बट लॉगिन नहीं दिखेगा। आप देखिए सिंपली अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए सारी चीज़ें हैं, टैग ब्लॉक वगैरह, यहाँ पे लॉग आउट दिख रहा है और यहाँ पे सर्च बॉक्स दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़र का नाम दिखाएंगे और इधर लॉग आउट बटन दिखाएंगे, ऐसा ट्राई करेंगे। आते हैं जहाँ पे सर्च बॉक्स है, इस सर्च बॉक्स को देते हैं हटा हम लोग। ठीक है, हटा देते हैं और यहाँ लगाते हैं UL। ठीक है, UL, और UL में थोड़ी सी मैं लूँगा हेल्प, हेल्प लेने के लिए UL में सिंपली लगाए नैब बार, नैब बार नैब और MR ऑटो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास लगाएंगे एक नैब बार, नैब बार नैब, और हम लगाएंगे MR ऑटो, नहीं लगाएंगे, मैं लिखूँगा राइट। ठीक है, MR राइट, और सिंपली मैं एक लिंक यहाँ से कॉपी कर लूँगा और सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। और ये लिंक है लॉगआउट की, और ये वाला लॉगआउट जो ऊपर वाला लॉगआउट था, इस लॉगआउट को मैं क्या करूँगा, सिंपली हटा दूँगा और आऊँगा रिफ्रेश करूँगा। जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो देखिए राइट में लॉग आउट आ गया। अब ये लॉग आउट आ रहा है, ये वाला लॉग आउट आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस लॉग आउट से पहले मैं क्या करता हूँ, इसी का एक कॉपी कर लेता हूँ और सिंपली यहाँ पे देखिए पेस्ट कर देता हूँ, परफेक्ट। अब एक लॉग आउट और आ गया होगा, ये देखिए। अब इसकी जगह मैं यूज़र का नाम दिखा दे रहा हूँ, तो यूज़र का नाम दिखाने के लिए लॉग आउट की जगह सिंपली आप लगाइए एक्सप्रेशन टैग। एक्सप्रेशन टैग कैसे लगाते हैं भाई, दिस इज़ योर एक्सप्रेशन टैग, और यहाँ पे लिखिए यूज़र डॉट गेट नेम, यूज़र डॉट गेट नेम, परफेक्ट। जो बंदा लॉगिन होगा, देखिए नाम आ गया, अगर कोई बंदा और लॉगिन होगा तो उसका नाम आ जाएगा, लॉग आउट आ गया। आप सिंपली क्या कर सकते हो, आइकन चेंज कर सकते हो, या यहाँ पे आप फोटो भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, आप यहाँ पे फोटो भी लगा सकते हो। बट फिलहाल मैं यहाँ पे क्या चेंज, इसका जो आइकन होगा वो चेंज कर दूंगा। तो आइकन का चेंज कर दीजिए, आइकन का देखिए जहाँ ये प्लस आ रहा है आप लिखिए FA और FA डैश यूज़र सर्कल कर दीजिए। ठीक है, दैट मीन्स प्रोफाइल पेज पे उसको हल्का सर्कल टाइप का दिखेगा और लॉगआउट पे हल्का ये वाला। आप यहाँ पे आइकन अपने हिसाब से लाइए, एडजस्ट कर दीजिए, परफेक्ट। ठीक है, और स्मॉल स्क्रीन पे ओपन करेगा तो इसको कुछ ऐसा मिलेगा, बंदा लॉगिन है। अब हम बात करते हैं कि जैसे मैं लॉगआउट पे क्लिक करूँ हमारा लॉगआउट पेज पे चला जाए, कहाँ चला जाए भाई, लॉगआउट पेज पे चला जाए। तो देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही आप लॉगआउट पे क्लिक करोगे, मैं क्या करूँगा, लॉगआउट पेज की जगह बनाऊँगा लॉग आउट सर्वलेट। ठीक है, एक लॉग आउट सर्वलेट बनाऊँगा जो हमारा लॉग आउट कर रहा हो। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और आऊँगा प्रोफाइल अपने प्रोजेक्ट पे और मैं सर्वलेट्स पे राइट क्लिक करूँगा, न्यू पे जाऊँगा और सिंपली सर्वलेट बना लूँगा, उसका नाम दे दूँगा लॉग आउट सर्वलेट, नेक्स्ट कर दूँगा, ऐड इन्फॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर कर दूँगा, फिनिश कर दूँगा, परफेक्ट। ठीक है, और आ जाऊँगा इसके बॉडी वाले टैग के अंदर। ठीक है, और मुझे लॉगआउट करने का मतलब सिंपली हमें करना क्या है, सेशन के अंदर से, सेशन के अंदर से हमें इस वाले वैल्यू को हटा देना है, करंट यूज़र को हटा देना है। तो सिंपली हम लोग लॉगआउट के अंदर आएंगे, सबसे पहले यहाँ निकालेंगे सेशन। ठीक है, क्या निकालेंगे, सेशन, और सेशन इज इक्वल टू लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी आप सर्वलेट के अंदर सेशन को फेच कर रहे हो तो आपको रिक्वेस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी गेट सेशन। बट जेएसपी में ऐसा नहीं है, जेएसपी में जब भी आपको सेशन को निकालना हो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, जैसा मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस सेशन की वेरिएबल से, क्योंकि ये इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, ऑलरेडी जेएसपी में आपको मिलता है, बट सर्वलेट में आपको खुद से ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब आप सिंपली क्या करिए, सिंपली देखिए आप
एस डॉट रिमूव एट्रीब्यूट कर दीजिए, और रिमूव एट्रीब्यूट में सिंपली आप करंट यूज़र को हटा दीजिए, ठीक है। करंट यूज़र का मतलब जो भी यूज़र लॉगिन था वो हट जाएगा, और अगर यूज़र हट गया तो सिंपली आप इसको सिंपली एक मैसेज बनाइए। क्या बनाइए? एक मैसेज बनाइए, मैसेज एम इज इक्वल टू न्यू मैसेज। मैसेज बनाना इतना आसान है, और कंटेंट में लिख दीजिए लॉग आउट सक्सेस फुली, ठीक है, लॉग आउट सक्सेसफुली, और टाइप जो है वो सक्सेस का मैसेज है। तो अभी मैं टाइप का तो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं मैसेज का टाइप यूज़ करने को आ सकता है, और मैं यहाँ लिख दूंगा अलर्ट जो होगा ये अलर्ट होगा भाई सक्सेस वाला, ठीक है। और मैं क्या करूँगा सिंपली, अब मैं क्या करूँगा फिर से इसको भेजूँगा लॉगिन पेज पे, तो मैं लिखूँगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लॉगिन अंडरस्कोर पेज डॉट जेएसपी, और इस मैसेज को मैं सेशन में सेट कर दूंगा, ठीक है। तो सिंपली आप एस डॉट सेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे आप लिखिए एमएसजी, और अपने एम को मैसेज को सिंपली सेट कर दिए। बस ये सिंपली इस मैसेज को लेके फिर से लॉगिन पेज पे चला जाएगा, और लॉगिन पेज क्या करेगा इस मैसेज को सिंपली दिखा देगा। परफेक्ट, इतना काम हो गया। अब हम आके आपको लॉग आउट करके दिखाते हैं। जैसे आप लॉग आउट करोगे, सॉरी ये किस पेज पे चला गया भाई, ये चला गया हमारा किसी और पेज पे। जरा मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ अपना प्रोफाइल पेज। तो आते हैं प्रोफाइल पेज में, नैबार चेक कर लेते हैं। नैबार में हमने लॉग आउट पे तो लॉग आउट रखा है, इसको सेव कर देते हैं, और फिर से हम लोग लॉग इन करके और लॉग आउट करते हैं। तो लॉग इन पर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे durgesh@gmail.com, अपना पासवर्ड लिखेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो देखिए लॉगआउट लॉग इन हो जाएगा, और आप जैसे लॉगआउट करोगे तो सिंपली देखिए लॉगआउट सक्सेसफुली, ठीक है। और अगर आप गलत ईमेल डाल दोगे तो ये क्या करेगा, आपको इनवैलिड दिखा देगा। बट अगर आप सही ईमेल डालोगे और आप लॉग इन कर लोगे तो सबमिट करोगे, परफेक्ट लॉग इन हो गया। देखिए आपका नाम आ रहा है और लॉगआउट आ रहा है, और जैसे लॉगआउट करोगे लॉगआउट सक्सेसफुली भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक गलती मैंने पिछले अभी तक किया था, मतलब गलती नहीं थी, ऐसे ही मेरे से मिस हो गया था। मैंने क्या किया था, डेटाबेस में मैंने, देखिए हमारा डेटाबेस था टेक ब्लॉक, और टेक ब्लॉक के अंदर जो मैंने टेबल बनाई थी यूज़र, उसके अंदर मैंने जो ईमेल लिया था उसको यूनिक नहीं किया था। इसीलिए हो क्या रहा था, इस ईमेल देखिए ईमेल दो सेम ईमेल दो दो रोज़ में है, तो आपको इस कॉलम को यूनिक बनाना होगा जिससे एक बंदा एक ही बार लॉगिन कर पाए। तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली, देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप जितने डुप्लीकेट हैं उनको हटा दीजिए। तो देखिए मेरे पास vandanatiwari@gmail.com दो बार है, तो मैं एक हटा दूंगा। सुबह दो बार है तो मैं एक बार हटा दूंगा, परफेक्ट डिलीट कर दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या होगा, अपनी टेबल पे राइट क्लिक करना होगा, ऑल्टर टेबल करना होगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन है इंडेक्सेस का, इस इंडेक्सेस पे क्लिक करना होगा, और आपको अपना कॉलम चूज करना होगा, ठीक है। कॉलम चूज कर लेते हैं, कौन सा भाई, ईमेल वाला, और हम लोग ओके कर देंगे। और यहाँ पे इंडेक्स का टाइप जो होगा वो हम लोग लेंगे यूनिक, ठीक है। इंडेक्स का टाइप क्या होगा, यूनिक होगा, और सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, इसको सेव कर देंगे, दैट्स इट। अब एक बंदा एक ही ईमेल से लॉगिन कर सकता है, सॉरी साइन अप कर सकता है। दैट मीन्स अब अगर मैं साइन अप करने की कोशिश करूंगा तो एरर आएगी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ क्या एरर आ रही है। तो साइन अप पे चलते हैं, और यहाँ पे मैं फिर से साइन अप करने की कोशिश करता हूँ अपनी सेम ईमेल आईडी से, और पासवर्ड कुछ डाल देता हूँ, मेल लिख देता हूँ, और कुछ यहाँ पे लिख के एग्री करके एंटर करता हूँ। देखिए एरर आ रही है, और एरर आप इस एरर को कंसोल पे चेक भी कर सकते हो। तो देखिए भाई आउटपुट पे आइए, और टॉम यहाँ पे आइए यूज़र टॉमकैट के आउटपुट पे, और ये बता रहा है कि इट डुप्लीकेट एंट्री फॉर दिस, दैट मीन्स जो कॉलम में आप एंट्री कर रहे हो वहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री हो रही है। अगर आप ईमेल आईडी चेंज कर दो, जैसे मैंने 305 की जगह 306 कर दिया, और जैसे मैं लॉग सबमिट करूँगा, देखिए रजिस्टर सक्सेसफुली, दैट मीन्स सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया, और लॉग इन पेज पे भी वो ले गया, और यहाँ पे भी देखिए आपका 306 वाला बंदा आ गया। दैट मीन्स अब क्या कर दिया हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में, कि हम लोग के इस प्रोजेक्ट पे एक बंदा एक ही ईमेल आईडी से यहाँ रजिस्टर हो सकता है। अगर सेम मतलब दो ईमेल आईडी एक ही ईमेल आईडी से दो अकाउंट बनाने की कोई कोशिश करेगा तो नहीं बनेगा। और हमारा देखिए यहाँ पे लॉगिन भी हो गया। एक बार मैं दूसरी ईमेल आईडी से लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो मैं एक vandanatiwari@gmail.com और ABC से लॉगिन करता हूँ @gmail.com, और पासवर्ड में ABC। तो कुछ गलत हो रहा है, ज़रा हम यहाँ पर देखते हैं। तो ईमेल आईडी गलत हो रही थी, तो हम लिखेंगे vandanatiwari@gmail.com ABC, ठीक है, और सबमिट करते हैं।
तो देखिए लॉगिन हो गया, यहाँ पे वंदना तिवारी आ गया। अगर हम लॉगआउट कर दें तो सिंपली आपका लॉगआउट हो जाएगा, ठीक है। तो परफेक्ट हमारा काम हो रहा है भाई, हमारा काम हो रहा है। एक बार मैं एक चीज़ और चेक कर लेता हूँ, मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद भाई इस प्रोफाइल के यूआरएल को कॉपी करता हूँ और अपने दूसरे पेज पे ओपन करता हूँ। परफेक्ट, प्रोफाइल पेज ओपन हो रहा है, यहाँ भी ओपन करता हूँ, परफेक्ट ओपन हो रहा है। एक जगह अगर मैं कहीं भी लॉग आउट कर देता हूँ तो दूसरी जगह अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखेंगे सब जगह से क्या हो गया, लॉग आउट हो गया। परफेक्ट, तो हमारा यहाँ पे देखिए लॉग आउट सिस्टम कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने लॉग इन करने के बाद क्या बना लिया, हम लोगों ने लॉग इन करने के बाद लॉग इन सिस्टम भी बना लिया जो कि रेस्पॉन्सिव भी है और लॉग इन दिखा भी रहा है सारी चीज़ें। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोफाइल को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। हम लोग बनाएंगे, मैं दिखा देता हूँ, हम लोग बनाएंगे। अगर मैं इस बंदे पे क्लिक करूँ तो हमें यहाँ एक बॉक्स दिखना चाहिए जिसमें इस बंदे की फ़ोटो दिखनी चाहिए, इसकी डिटेल्स दिखनी चाहिए, और वहाँ से वो बंदा अपनी डिटेल्स को एडिट कर सके, ठीक है, एडिट कर सके, फिर से वो देखे तो उसे फिर से उसकी अपडेटेड डिटेल दिखनी चाहिए। जब प्रोफाइल वाला काम हो जाएगा तब हम काम स्टार्ट कर देंगे अपने पोस्ट पे, दैट मीन्स ब्लॉग पे। कोई बंदा यहाँ पे पोस्ट का एक बटन होगा, पोस्ट करके अपनी डिटेल पोस्ट की डाल दे, ओके करे, उसका पोस्ट सबमिट हो जाए और वो पोस्ट यहाँ पे इंडेक्स पेज पे दिखने लगे, दैट्स इट। और हम पोस्ट की कैटेगरीज हम लोग डिसाइड करेंगे ना कि यूजर्स डिसाइड करेंगे। तो प्रोजेक्ट में हम लोग काफ़ी 50% तक काम कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रोफाइल मैनेजमेंट। तो आप बार बार इस वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।